feeling tough and mind the super Подъехали! इस वक्त तो टाइम का मुझे भी एक्चुअली पूरा पता नहीं है। जैसे ही हमारे कंट्रोल रूम को इतला मिली कि यहाँ पर आग है, हमने सोचा शायद बस्ती के नज़दीक है कहीं पर। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, हेडक्वार्टर से 3 गाड़ियाँ, बाप डैम से 2 गाड़ियाँ और शहीद हमीदपुरा से 1 गाड़ी हमने फायर टेंडर मंगवाई। तो हमने चारों तरफ से आग को तकरीबन घेराव करके, क्योंकि झोपड़पट्टी नज़दीक थी और उसके साथ साथ में ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग थी और पीछे ये था क्या बोलते हैं, दुकान वगैरह भी बहुत सारे थे, जिनमें हमने पूरी फौरी तरह से जितना हो सका जल्दी उतनी जल्दी हमने काबू पा लिया। हमारे डिविजनल फायर अफसर साहब भी साथ थे, डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे ऑलरेडी वो बार बार मतलब हमसे तफसील पूछ रहे हैं कि और रिक्वायरमेंट है तो हम और भी भूझेंगे। उनकी सरबराई में हम ये काम कर रहे हैं और शुक्र अल्लाह का कि लोगों ने हमें रास्ते में ठीक ठाक मतलब ये बताया कहाँ से जाना है क्या, तो इस वजह से बहुत जल्दी आग पर काबू हो गया। लगभग पूरी अंडर कंट्रोल है इस वक्त सिचुएशन। क्या लगा, क्या वजह है इस आग की? ये घास सूखा हुआ था, अलबत्ता अब क्या बोल सकते हैं, किसी जगह किसी बच्चे ने वहाँ पर माचिस की तीली फेंकी या किसी ने लगाई, उसका भी कुछ नहीं कह सकते। ये तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी के उसके बाद में इसका पता चलेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए माहौल में, क्योंकि जहाँ पर ये बस्ती नज़दीक हो वहाँ पर इससे घास में आग लगाना या इस पर ऐसी हरकत करना वो ठीक नहीं है। अगर इस टाइम दिन के वक्त में इतना जल्दी हम काबू इस पर नहीं पाते तो बहुत सारा नुकसान, झोपड़पट्टी है साथ में या और बाकी सरकारी बिल्डिंग है उनका नुकसान हो जाता। तो शुक्र अल्लाह ताला का कि हमने बहुत जल्दी कार्रवाई की और हमारे ऑफिसर साहिबान साथ थे, जिसकी वजह से हमने मतलब बहुत जल्दी आग पर चारों तरफ से काबू पिया और पुलिस का भी हमारे साथ साथ था और पब्लिक का भी। तो लास्ट पर जो आम पब्लिक है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, जो ये इलाके हैं जहाँ पर ये घास फूस है सूखी हुई, तो उन इलाकों में सेफ्टी प्रिकॉशंस लोगों को क्या लेने चाहिए? लोगों से हम यही अपील करते हैं कि जिसके घर के नज़दीक या दुकानें के नज़दीक ये घास सूखा हुआ है वो उसको फौरी तौर उखाड़ दें, काट वगैरह के दूर रख दें और पानी का घरों में इंतज़ाम रखें। अगर खुदा ना खास्ता छोटी सी चिंगारी भी कभी लगती है तो वो पूरे अपने उसमें मालिक को लपेट में ले लेती है। लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुकानों या मकान के नज़दीक रेजिडेंशियल एरिया में या कमर्शियल एरिया में ना रखें, अगर है किसी जगह तो उसको फौरी तौर उसको काट के वो एरिया साफ रखें।
लास्ट में इंजरी की कोई है इंफॉर्मेशन आपके पास? नहीं सर, हमारे सब जवान ठीक हैं, हमारे जवानों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। मेरे ऑफिसर साहिबान मेरे साथ थे, मैं लेजान अफसर हूं, मेरे ऑफिसर साहिबान ने जो जो डायरेक्शन दी हमने चारों तरफ से मतलब इसमें अपनी गाड़ियाँ रख के तो आग पर फौरी तौर काबू पा लिया। थैंक यू जेके न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।